मैं जोहरे से शुरू कर रही हूँ, ठीक है? जोहरे बड़ी इंटेलिजेंट बायर है, और वही वाली बात, कपड़े, जूते, पर्स, एक्सेसरीज, ये वो हमें बार बार पहननी होती है हमारे काम की वजह से. एग्जैक्टली. तो हम बहुत सारी इन्वेस्टमेंट एक चीज पे नहीं कर सकते, और खाली हमारी बात नहीं है, जो आम पब्लिक भी है, उसने क्योंकि सेल्फी बना ली है और उसने इंस्टा या अपने सोशल मीडिया पे कहीं भी डाल दी है, तो फिर वो रिपीट नहीं करेगी या करेगा. तो इसीलिए ये हमें आज गाइडलाइंस दे रही हैं. जोरे, चलो शुरू कर. अच्छा निधा, पहले तो ये मैं बताना चाहूंगी कि मुझे आपके शो के बाद जब हमने ये डिस्कस किया, चाइना मेंशन हुआ, अली एक्सप्रेस मेंशन हुआ, फिर इतने सारे मैसेजेस, इतने, जब मैं पिक्चर लगाऊं, मैं स्टोरी लगाऊं, मैं कहीं भी किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे आऊं, नीचे एक ही मैसेज था, वो एप्लीकेशन का नाम बता दे. एंड मैंने किसी को नहीं बताया, बिकॉज मुझे था कि मैं आपके शो पे आके बताऊं, ताकि मैसेज तक बात पहुंचे. अब मैं एक एक को कमेंट कर करके स्टोरी पे भी लगाऊं, तो लोगों को लगता है कि शायद सही नहीं बता रही होगी, लेकिन हर चीज जो मैंने आपके शो पे लास्ट टाइम भी दिखाई, वो मैंने अली एक्सप्रेस एप्लीकेशन का नाम है, जो कि चाइनीज एप्लीकेशन है, और उधर से मैं लेती हूँ, और आपको काफी फायदे भी होते हैं, वो हम बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द एप्लीकेशन. एंड राइट नाउ आप क्या चाह रही थी कि मैं आप अपनी शॉपिंग डिस्कस करें, जैसे लास्ट टाइम आपने एक छोटा सा टीजर दिया था आपने, उस पर जाके निकलाचेस वगैरह दिखा. अच्छा निधा, मेरा ना ये भी मानना है कि आपको पाकिस्तान में भी ना बहुत बहुत वैरायटी मिल जाती है, और बहुत अच्छी चीजें मिल जाती हैं, और बहुत सस्ती मिल जाती है, एज लॉन्ग एज आपके पास वो आए हो कि आप उसको देख पाओ और आप ढूंढ पाओ. बिकॉज लोगों की चॉइस इतनी अच्छी होती है कभी कभी कि उन लोगों को बहुत अच्छी चीज मिल जाती है. इतनी अच्छी ज्वेलरी, हम जैसे तारिक सेंटर जाए, मैं कराची की बात कर रही हूँ, स्पेशली आपकी जो गर्ल्स जाए, नग वाले जो जूते है ना, चप्पले, वो बाहर नहीं मिलेगी आपको, जो वैरायटी बाहर मिलेगी बहुत लाहौर में, वैरायटी यहाँ से ज्यादा, बिल्कुल लाहौर में बहुत अच्छी वैरायटी है. लाइक लाहौर का आई रिमेम्बर अनारकली बाजार एंड ऑल दीज प्लेसेस, इतनी अच्छी वैरायटी है, और हमारा ट्रेडिशन, हमारा कल्चर, इफ यू गो टू नॉर्दर्न एरियाज, वहाँ पे भी उनकी जो एक कल्चर है, उनकी लैंग्वेज है, मतलब इतनी ब्यूटीफुल हमारा सब कुछ है, और वो चीजें हमें अफोर्डेबल रेट्स पे भी मिल जाती है. लाहौर के साथ साथ हमारे कराची में भी बहुत सारे छोटे बाजार ऐसे मौजूद हैं, जो लोगों को अभी उनका आइडिया नहीं है, वहाँ पर इतनी सस्ती चीजें ना, वाकई आप लोग हैरान हो. वो राज पाश आपने आज करने कुछ बहुत सारे मुझे सारे लोगों को पता लग जाए, कभी ब्रांड भी बनेगा हम वहां से लिए. मगर मैं बताऊं, चाहे सस्ती दुकानें हो, आपकी आंख होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे, बस ये बिल्कुल आप मैगियों में से भी आप निकाल सकते. अंबर और मेरा दिमाग एक उस पे घूम रहा होता है, एक जगह पे. आप जो नाज़रीन है वो इंतजार में चीजों देखती है. अच्छा, तो निधा, जैसे फॉर एग्जांपल बाहर से जो, जैसे मैंने मंगाई थी, मैंने आपको लास्ट टाइम भी ये ज्वेलरीज दिखाई थी, कुछ पहले वाली हैं, कुछ न्यू है जो मैं लास्ट टाइम नहीं लाई थी. ये वही चाइना से जी, ये चाइना अली एक्सप्रेस से मैंने मंगाए थे. और तुमने इसकी प्राइस क्या बताई थी हमें? जैसे ये था, आई थिंक ये सारे निधा जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, ये मैक्सिमम 600 और मिनिमम 300. सोच सकता है कि लाइक, तो अब जैसे ये है, ये 400 का है. एक सेकेंड, तो मैं पकड़ती जाऊंगी. आई थिंक ये 500 समथिंग का था, मतलब ये भी मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगी 500 का ना, क्योंकि 500 की जो चीजें मतलब हमारे हाथ चढ़ती है, बिल्कुल ही क्वालिटी गंदी होती है. मगर जब मैं इसको पकड़ बाजार आपको देख के वैसे ही रेट बढ़ जाते हैं. मैं तो इतनी काम वाली माई बन के आती हूं, ऑनलाइन है नहीं, मैं भी बहुत काम वाली माई बन के जाती हूं. काम वाली माई बन के जाकर नहीं, उन्होंने तो एक अबाया सिलवाया. मतलब मैं जब ये पकड़ भी रही हूं, तो वो इसकी जो एक क्वालिटी है वो मुझे अच्छी लग रही है. पीछे से भी दिखाए तो स्टॉपर्स, इससे अंदाजा हो जाता है ना, बैग लेते हैं आप, बैग की जिप से अंदाजा हो रहा. ये आई थिंक 400 के थे. हाँ, और हम पीछे रखते जाएं, वहीं पे रखते जाओ, वहीं पे. ये 400 के, मतलब लाइक जी. अच्छा, हियर वी वेंट, वी गो टू दिस वन. हाँ, साथ साथ रखते भी जाते हैं ना, यहीं पे रख दो, कहीं भी रख दो. ओके, जैसे ये थे, ये तो आपके ड्रेस के साथ भी इतना उठ रहा है, बिकॉज ऑफ द दुपट्टा. अलीएक्सप्रेस से यही शिपमेंट हो जाती है? बिल्कुल शिपमेंट हो जाती है, मैक्सिमम मैक्सिमम नहीं, हमेशा से होती है. अच्छा, ये कितने के थे? ये भी मैं आई थिंक 400, 450, और लाइक ये भी 400 समथिंग. ये भी 400 जी. निधा, मेरा ना हौसला नहीं है कि मैं इससे ज्यादा महंगी शॉपिंग करूं. मतलब जो चीज सेटिस्फेक्शन भी होती है, आपका दिमाग है, यार अकलमंदी है भैया, आपका दिमाग है, क्योंकि मैं जब यहाँ अकलमंदी नहीं है. हाँ, महंगे से तो हर कोई. अब जैसे मैं आपको दिखाती हूँ निधा, ये वाले मुझे समझ नहीं आ रही, कहाँ रखूं, मुझे बताओ एंगल कहाँ रखूं. ये
ओके सही yes. ये नजर आ रहा है yes. हाँ मतलब 400 रुपए मतलब हैरत हो रही है ना लड़कियां चीखे मार रही होंगी और डिजाइन भी करती है इतना सस्ता जो नादिया करी ना इस वक्त इतना सस्ता जॉर्ज ये कर देती मैं कहता ना करो भाई कोई तारीफ ये कितने प्यारे लग रहे हैं ये कितने के यार निदा 400 450 तुम तो बेटा ब्लैक में बेचना शुरू कर दो कारोबार लगा लो 450 के बिजनेस अब निदा आप ये वाले देखें ये कितना मतलब इसकी खूबसूरत डिटेल है बारी छोटे से हैं लेकिन हाँ. आप इनके पर्ल की डिटेल इनकी मेकिंग देखें एवरीथिंग हाँ. मतलब ये भी 400 के मतलब मुझे आई कांट बिलीव इट ये 400 के मतलब लाइक पकड़ के मुझे ऐसे फील हो रहा है कि लाइक आप जैसे ये चीज आप शॉप पे लेंगे जो लोग कहते हैं ना इम्पोर्टेड ज्वेलरी बिल्कुल ऐसी वहाँ पे होंगी 2500 या बड़े किसी मॉल्स में आप जाते हैं तो मॉल में भी यही हाल है सारा बिजली का बिल आपसे ही ले अब ये तो थोड़ी फंकी ज्वेलरी हो गई ना अब हम ट्रेडिशनल पे आते हैं जैसे ये मैंने यहाँ से ली थी किसी लोकल स्टोर से तो ये थी आई थिंक अराउंड लेकिन इधर ये चाइनीज एप्लीकेशन वाली नहीं है ये मैंने किसी स्टोर से ली थी तो ये यहाँ पर थी अराउंड 2500 या 3000 की ये ज़ेनम मार्केट टाइप नहीं नहीं कहां? ये मैंने आई थिंक लिया है आई डोंट रिमेम्बर पता नहीं बोनांजा था या इस तरह ये तो एक्सपेंसिव है हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखें ये 3000 का मुझे मिला और ये मैंने अली एक्सप्रेस से ऑर्डर किया आप अब इसको पकड़े और ये मुझे 400 का पड़ा है और आप दोनों में डिफरेंस है आप देखा जाए कंपैरिजन करें तो मुझे तो ये वाला ज्यादा अच्छा लगा एग्जैक्टली और 400 रुपए और ये यहाँ से लिया दुकानों से ₹2500 इसीलिए मैं यहाँ से बहुत सारी चीजों की शॉपिंग नहीं करती हूँ ना तो थोड़ा सा होता है अच्छा मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन अब ये भी मैंने वहीं से लिया था ज्वेलरी अब ये भी बहुत हल्के हैं और बहुत प्यारे हैं प्यारे क्यूट ये भी 400 के नहीं निदा आई थिंक ये 300 कुछ के थे आई कांट बिलीव आई अल्लाह मैं शिफ्ट हो जाऊं इसके पास क्योंकि बार बार कौन बुलाए जो शिफ्ट हो जाते किराया रख लूं तो मैं इतने खूबसूरत निदा आपको मिल जाएंगे ना नहीं तो आप इनको स्टाइलिस्ट रख सकती हैं स्टाइलिस्ट आपको बताएंगी वो गाइड करेंगी कि आपको तुम देखो बस ये ऑर्डर करो अच्छा निदा ये भी है ये छोटे वाले स्टड्स हैं ये लेकिन आप इनकी क्वालिटी देखें आप इनको एक फॉर्मल ड्रेसिंग में भी आप पहने अच्छा पता क्या हो रहा है थोड़ी देर में ना ये अब देखें 400 से 200 पे आ गई थोड़ी देर में अब ये कहने वाली ये चीज मुफ्त में आई अच्छा थैंक यू फॉर मेंशनिंग दिस अक्सर ऐसा होता है कि जब आप अली एक्सप्रेस से ज्यादा चीजें बाय करो तो वो आपको गिफ्ट भी भेजते हैं सरप्राइज गिफ्ट फ्रॉम देम अब जैसे निदा ये मैंने यहाँ से लिया था ये वाला ये लोकल मतलब कि मुझे तो बहुत मजा आ रहा है इसकी शॉपिंग देखने में अच्छा ये दोनों ना निदा लोकल मार्केट के हैं बट वो अगेन वही बात होती है ना कि अगर खूबसूरत हो और ये मैंने 150 रुपीज का लिया था 150 रुपए अच्छा मजे की बात है अली एक्सप्रेस से बट इनकी ट्रेडिशनल क्वालिटी बास ऑनलाइन करो ज्वेलरी ये डेटा जी 150 का और ये भी आई थिंक अराउंड 200 समथिंग का था और ये भी मैंने हमारी यहाँ जो लोकल मार्केट से यार कितना खूबसूरत है उफ नादिया वैसे कैरी करने के ऊपर भी बात होती है अल्लाह तो एक दो दफा बर्दाश्त कर लिया आप बता दो कि भाई निदा निदा और नादिया को मैं अक्सर मिला था नादिया उसको नादिया के शो पे मुझे लग रहा है बहुत जा रहा है ये अच्छा नादिया को मैं बार-बार निदा के साथ बोलता रहता ओके निदा कैरी करने पे बात होती है वैसे बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से कैरी करते हैं निदा ये वाला ये पीसेस कितने प्यारे हैं ये कितने का मिले ये वाला ये भी पता नहीं 300 कुछ का था और अगर आप कहीं बड़ी बड़ी दुकान में कदम रख ले यही चीज आपको हजारों मॉल में देखें छोटे से छोटी चीज ये वाले यहाँ मिलते हैं इस टाइप के 200 यही तो कह रही हूँ यही से लिया है यही से लिया है देखा 200 नहीं मुझे तो 200 का ही मिला मेरी मामा जाती है ना तो मेरे जो रेट लगते हैं और कम हो जाते हैं इतना अच्छा और ये चीज बाजार में इतफाक की बात जितना घूमते हैं मैंने भी लिया है अच्छा ये इनके पास पता है आपको अंबर ग्रीस में मैंने ये इस तरह की इयररिंग्स देखी थी इतनी महंगी मैंने कहा हमारे तो पाकिस्तान में हमारा ट्रेडिशन है ना तो वहाँ एक्सपेंसिव है उनकी नहीं टर्की में भी इस टाइप के इयररिंग्स तो वो शायद टर्की से आए हुए थे लेकिन इतना एक्सपेंसिव है ग्रीस ज्वेलरी या कोई चीज खरीदने के लिए जिसकी कोई हद नहीं अस्सलाम वालेकुम मैं हूँ उर्वा हुसैन सब्सक्राइब टू द ARY डिजिटल यूट्यूब चैनल फॉर मोर एंटरटेनिंग कॉन्टेंट